हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर दे विच असीं अडैप्टेशंस इन पोलर बीयर्स ते अडैप्टेशंस इन पेंगुइन पढ़िया सी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अडैप्टेशन इन बर्ड्स एंड आल्सो अडैप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स। सो बेटा, सब तो पहले अडैप्टेशन इन बर्ड्स। सानू पता है कि बर्ड्स दीआं जिहड़ियां बॉडीज़ आ फैदर्स दे नाल, पंखां दे नाल कवर कीतियां हुंदियां। क्यों? ता कि उन्होंने जोड़ा सर्दी तो बच सकन। आप वैसे भी पोलर रीजन के बर्ड्स की गल कर रहे हैं, इस करके जिंदा रहने के लिए बर्ड्स नू, पंछियों नू हमेशा वॉर्म रहना पैंदा है। तो की करते हैं जो बहुत सारी सर्दी हो जाती है, ठीक है, फिर की होंगे पंछी जोड़े माइग्रेट कर जाते हैं जिते थोड़ा वॉर्म रीजन होंगे, थोड़ी घट सर्दी होंगी, ठीक है, थोड़ा ठीक मौसम होंगे। और जदों सर्दियाँ खत्म होंदियाँ वापस अपने टिकाणियाँ ते आ जांदे आ। बच्चे असीं देखदे आ साडे इत्थे लागे चागे जिवें हरीके पत्तन, उत्थे भी बहुत सारे सर्दियाँ, जनवरी फरवरी, खास करके फरवरी दे महीने बहुत सारे पंछी, बड़ियां ही किस्मां दे पंछी दूरों साइबेरिया तो आंदे आ। क्यों आंदे आ? क्योंकि इत्थे थोड़ा जिहा वार्म हुंदा मौसम, ठीक है, ते इवन मौसम दे विच उह अपने आप नूं अच्छा सरवाइव कर पाउंदे आ। जदों इत्थे गर्मी वध जांदी आ फिर उह दुबारा वापस अपने टिकाणियाँ ते चल जांदे आ। नैक्सट है बेटा, अडैप्टेशन ऑफ एनीमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स। ठीक है, तुसी क्लास सिक्स दे विच भी पढ़िया सीगा कि कुछ जेडे एनीमल्स जेडे डेजर्ट्स दे विच रहिंदे आ उन्हां दे बारे पढ़िया सीगा, कुछ प्लांट्स दे बारे जेडे डेजर्ट्स विच हुंदे आ उन्हां दी किद्दां दी अडैप्टेशन हुंदी आ। अज असीं अडैप्टेशन इन कैमल्स पढ़ांगे, ठीक है। कैमल्स दी सानू पता है किस तरह की बॉडी हुंदी है, ब्राउन कलर्ड बॉडी हुंदी है। सानू पता है कैमल मारूथलों के रहा है, तो जिहो जिहा बेटा मारूथल की रेत का जिस तरह का कलर होंगे ना, सेम उस ही टाइप का कलर कि होंगे वो कैमल का होंगे, ठीक है, ऊठ का होंगे। तुम देख भी सकते हो ये पिक्चर के, ठीक है। इट हैज़ लोंग आई लैशिज, ये जिहड़े आई लैशिज होंगे पलक होंगे बहुत लंबिया होंगे, ता कि क्योंकि देखो मारूथलों के ना बहुत जोड़े तूफान वगैरह आते रहते हैं, रेत उड़ती रही है, फिर वो रेत न अखा जान तो बचाने लिए कुदरत ने की किया है कि वह जो अखा दियाँ पलकां बहुत लंबिया बनाईया होंगे। नाल ही ये जिहड़े नॉस्ट्रिल्स है ना इहदियां, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स में ही क्लोज कर सकता है ता कि इहदी नेजल कैविटी नक के अंदर ये जिहड़ी आ सैंड वगैरह ना जा सके। और कैमल दी हंप दे विच बहुत सारा जिहड़ी फैट आ स्टोर की गई होंगी है, ता कि मतलब कुछ काफ़ी टाइम तक, कई महीनों तक ये जिहड़ा ये जिंदा रह सके बिना भोजन तो, क्योंकि मारूथलों से देखो किन्नी किन्नी दूर ना तो पानी मिलता ना कुछ खाने चीज़ मिलती है, तो ऊठ कि ट्रैवल करता है ना, तो बड़ा ही अपने आप में वधिया जिहड़ा जिंदा वो रख सकता। एनीमल ये वाला जिहड़ा है ना ये 40 लीटर पानी एक टाइम पर पी सकता है। तो ये इन्ना पानी क्यों पी सकता है? क्योंकि वो ये वाला पानी नू स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, अगां वरतों दे विच बाद विच वरतों दे लई ये वाला पानी स्टोर करके रख सकता है। ये लिप्स ये बुल बहुत मतलब थिक होंगे है, ठीक है, ता कि ये जिहड़े प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स होंगे जिवें कैक्टस वगैरह कंडे वगैरह जिन्हां नू होंगे, ठीक है, उत्तों मतलब अपने आप नू हर्ट ना, उत्तों कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके पर उन्नू खा सके, ठीक है। इट हैज़ वैल पैडड वाइट फीट, बहुत चौड़े चौड़े जिहड़े है ना पैर होंगे ता कि गर्म रेत ते भी की हो सके चल सके, और बहुत मतलब थिक क्लीयर होंगी ये पैरों के थले ता कि ज़्यादा गर्म ना लगे रेत। क्लीयर है बेटा? ये सीगा अडैप्टेशंस इन कैमल। हाँ जी बेटा, थैंक यू।